नमस्कार, नई परख के गुप्तगु कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ आलोक टंडन जी हैं और हम इनकी किताब पर बातचीत करेंगे। किताब जो धनंजय दिखा रहे हैं, धनंजय आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं। इसका शीर्षक है लिविंग टुगेदर, रीथिंकिंग आइडेंटिटी एंड डिफरेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम आलोक टंडन जी से उनकी इस किताब पर बातचीत करेंगे। आलोक टंडन जी के दर्शन में काफी गहरी रुचि है और वो काफी अलग अलग विषयों पर लेखन करते रहे हैं। इस पुस्तक में जिस तरह के तर्कों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके बारे में आज हम आलोक टंडन जी से चंद सवाल करेंगे। आलोक जी नमस्कार, और धनंजय जी आपका नमस्कार। भी स्वागत है। हालांकि अनौपचारिक रूप से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत कर ही दी है। मेरा पहला सवाल आलोक जी आपसे यही रहेगा कि ये जो पुस्तक आपने लिखी है, उसमें आप किस तरह के तर्कों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? मुख्य रूप से पुस्तक को लिखने की प्रेरणा किन चिंताओं से आपको मिली, किन चिंताओं ने आपको प्रेरित किया इस पुस्तक को लिखने के लिए? जी कमल नयन जी, ये प्रेरणा का जहां तक सवाल है तो ये समस्या जो है मनुष्य के साथ इतिहास में हमेशा से रही है कि हम विभिन्न कल्चर्स के लोग एक साथ कैसे शांतिपूर्ण ढंग से रहें, लेकिन हर समय की अपनी एक विशिष्टता होती है। और ये विशिष्टता इस समय यूं आई है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब पहले की तरह आइसोलेटेड कल्चरल सोसाइटीज नहीं है, अब लोग एक दूसरे के सामने जो है वो बाकायदा अंतःक्रिया कर रहे हैं, उनके साथ टकराहट भी हो रही है और वो ये करने के लिए अब मजबूर हैं। वो ऐसे पहले की तरह अलग अलग रह के नहीं जी सकते। तो इन समस्याओं को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से कैसे रहा जाए, ये बहुत जरूरी है कि हम इस समस्या को समझें। एक और कंटेक्स्ट डेवलप हुआ है कि ज्यों ज्यों ग्लोबल कैपिटलिज्म का विकास हुआ है, साथ ही साथ जो पुरानी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की स्पेशली, वो फिर से असर्शन कर रही हैं। असर्शन करने से जिसको बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड एथनिसिटी का जो पैराडॉक्स है वो सामने आया है। तो उस पैराडॉक्स को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उससे सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंसक टकराव हो रहे हैं, रक्तपात हो रहा है। तो इन दोनों प्रेरणाओं की वजह से जो है मैंने इस पुस्तक में इस विषय पर कार्य करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि कोई एक मैं नहीं समझता कि मैं कोई अंतिम हल दे पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये इच्छा है, ये उद्देश्य रहा है कि सभी लोग इस विषय पर कुछ दूर तक मेरे साथ सोचे और फिर आगे जाके इस समस्या का हल खोजने में सफल हो। धनंजय आप अगला सवाल करें। धन्यवाद कमल, और धन्यवाद आलोक जी इस महत्वपूर्ण किताब को लिखने के लिए और इस पे इस बहुत सारे मुद्दों को छूने के लिए। और ये पॉलिटिकल मेरा प्रश्न तो नहीं, लेकिन ये एक कमेंट है कि एक फिलोसफर के लिए पॉलिटिकल फिलोसफी करना एक डिफिकल्ट हमेशा रहता है, और अगर फिलोसोफर पॉलिटिकल फिलोसफी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, रेदर देन कोई और पॉलिटिकल फिलोसफी करे। तो उससे यह किताब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण, कई तरह से महत्वपूर्ण सजेशन देती है। अगर मैं कहूँ तो यह किताब को स्वामी प्रणवानंद अवार्ड भी मिला था, 97 सेशन जो ज्वाइंट सेशन था इंडियन फिलोसफी कांग्रेस का, अभी भुवनेश्वर में हुआ था, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आलोक टंडन जी से मेरा पहला प्रश्न यह है कि ये हम लोग पढ़ते रहे हैं बहुत सारे अकादमिक बहसों में, और इसको आपने अभी कंटेम्प्रेरी टाइम के समय लिखा है, तो जो जिसको हम रिकॉग्निशन या मान्यता बोलते हैं या रिडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण मानते हैं, जो हॉर्नेथ और नैन्सी फ्रेजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट पॉलिटिकल फिलॉसफी में रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट जो है अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो ये सिर्फ बात रिलीजियस बाइनरीज की नहीं, एक बीइंग के आइडेंटिफिकेशन से भी जुड़ता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हम मतलब आइडेंटिटी में ही सॉल्यूशन है, जिसको या हनेथ जो एलेक्स हनेथ जो कहते हैं कि रीइफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइट करने के लिए, नॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन, और नैन्सी फ्रेजर कहती हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये मेरी किताब का जो कहना चाहिए कि वैचारिक आधार यही है कि
कि सबसे पहले हम इस बात को डिसाइड करें कि रिडिस्ट्रीब्यूशन रिकग्निशन में कौन महत्वपूर्ण है, या दोनों महत्वपूर्ण है, या एक को दूसरे से डेराइव किया जा सकता है, या दोनों को सेपरेटली एक साथ लेने की जरूरत है। तो इस ये सबसे पहला और गंभीर मुद्दा था, और जिसका मैंने बहुत समझने की कोशिश तीन थिंकर्स के जरिए की है, उसमें टेलर हैं, एक हॉर्नेट हैं और एक नैंसी फ्रेजर हैं। तो मुझे ये लगा, और मेरा ये अपना उसमें तर्क है, और उसमें मैं नैंसी फ्रेजर के साथ हूँ, कि केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन से हम न्याय की समस्या का हल नहीं कर सकते, केवल रिकग्निशन से भी नहीं कर सकते। रिकग्निशन से रिडिस्ट्रीब्यूशन डिराइव नहीं हो सकता, रिडिस्ट्रीब्यूशन से रिकग्निशन डिराइव नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को हमको एक साथ एक दूसरे पे इररिड्यूसिबल मानते हुए साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसको जोड़ने का जो प्रिंसिपल उन्होंने लिया है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन पैरिटी, वो प्रिंसिपल ये डिसाइड करेगा कि कौन सी मांगे जस्टिफाइड हैं रिकग्निशन की और कौन सी मांगे रिडिस्ट्रीब्यूशन की जस्टिफाइड है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जो कि अभी हम अगर उदाहरण लें अभी लेंगे, कि क्यों रिकग्निशन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने दो बातें कही थी। एक है कि रिकग्निशन को बहुत महत्व देने से एक डिस्प्लेसमेंट की समस्या आती है, जो इनइक्वालिटी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का और एक आर्थिक न्याय का सवाल है वो पीछे चला जाता है। उसी तरीके से आइडेंटिटीज का रीइफिकेशन हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, और जो उद्देश्य था उसकी जगह पे हम एंटागोनिस्टिक आइडेंटिटीज की लड़ाई में फंस जाते हैं। अब सवाल ये है कि यदि हम उसका उदाहरण लें, तो बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे यहाँ जातिगत जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का जो न्याय का सवाल है जाति के साथ, वो इसको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर देता है। इस तरीके से स्पष्ट कर देता है कि कोई भी कहना चाहिए कि जो दलित है, दलित वर्ण का, दलित जाति का सारे लोग जो है एक वर्ग के नहीं है, और इसी तरीके से एक वर्ग के लोग जो है वो एक जाति के नहीं है। तो ये पूरी तरह से संभव नहीं है कि हम कहें कि जाति और मतलब जाति और वर्ग में जो है वो कोई आइडेंटिफिकेशन है। तो जब हम इस तरीके से हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमको आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक, आर्थिक अन्याय और सांस्कृतिक अन्याय, जब दोनों को एड्रेस करना होगा, तो जरूरी है कि हम रिकग्निशन एज वेल एज रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों को साथ लेके चलें। और इसीलिए मुझको लगा कि नैंसी फ्रेजर का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो काफ़ी इन लोगों से अच्छा है, और वो वल्गर मार्क्सिज्म और वल्गर कल्चरलिज्म के बीच से कुछ रास्ता निकालती हैं। और बाद में उनका जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने उसमें एक और डायमेंशन जोड़ा है जो मेरी किताब में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया है, वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब कहीं जाकर जो है समाज में न्याय का प्रश्न जो है वो एक एक थ्योरेटिकली जो है अच्छे फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है। नरेंद्र जी, आप अगला सवाल करें। जो आलोक जी से, आलोक जी की यह पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले हॉर्नेट ने एक किताब लिखी थी, बहुत सालों पहले रीइफिकेशन, और जिसमें रीइफिकेशन के लिए वो लुकाच को तो बहुत महत्वपूर्ण मान रहे होते हैं, हम करीब करीब लुकाच को अपना गुरु मान लेते हैं वो, लेकिन वो मार्क्स को खारिज कर देते हैं करीब करीब। तो ये होनित में ये जो एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये भी है कि जब हम ग्लोबल कैपिटल को ये सोचते हैं, ये बहुत सारे डिस्कोर्सेस का हिस्सा बन चुका है, कि वो हम जब चाहें तब हटा सकते हैं, जब चाहें तब खारिज कर सकते हैं, कैपिटलिज्म जैसे कुछ कोई महत्वपूर्ण चीज़ ही नहीं है जो डिसाइड कर रही है। उस मायने में रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन दर्शकों के लिए जो इस डिबेट के बारे में और जानना चाहते हैं और बाकी जानते नहीं हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्निशन डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पॉलिटिकल फिलॉसफी में और जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। एक छोर पे आपको अगर मैकइंटायर खड़े हैं, तो दूसरे छोर पे आपको
होनेथ मिलते हैं और एक और चार्ल्स टेलर एक और मॉडल देते हैं, और फिर वो मॉडल मल्टीकल्चरलिज्म के सहारे विल किमलिका और भिक्कू पारिक की तरफ भी जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि कल्चरलिज्म और कल्चर इम्पॉर्टेंट है कि कल्चर के साथ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारे डिबेट्स को लेके नैंसी फ्रेजर और हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो आलोक जी ने इसमें सार्थक प्रयास किया है, और ये डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है दो संदर्भों में, जब हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट और न्याय की अवधारणा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि अगर हम न्याय और राष्ट्रीयता पर चर्चा में पहचान जो आइडेंटिटी है वो अचानक मुख्य संदर्भ क्यों बन गया है? ये सवाल मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ है कि एक तो ग्लोबलाइजेशन से है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ होता है तो एक तरीके का दोहरा विस्थापन होता है। ये दोहरा विस्थापन ये है कि व्यक्ति जो है वो अपने पुराने समूह से कटता है क्योंकि माइग्रेट करता है, और साथ ही साथ अपनी उस सांस्कृतिक समूह से भी कट जाता है, सांस्कृतिक आदर्शों से भी कट जाता है, क्योंकि उसको जो है एक दूसरे संदर्भ में जाके जीना पड़ता है, और जीना क्या उसके लिए मजबूरी होती है कि वहाँ जाके वो अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करे। तो ये जो दोहरा विस्थापन है ये उसके अंदर एक तरीके की आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करता है, क्योंकि वो पुरानी आइडेंटिटी से को जी नहीं सकता, उससे वो उखड़ चुका है, नई आइडेंटिटी उसके पास कोई ऐसी होती नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस को कोप करने के लिए वो धीरे धीरे जो है वो अपनी पुरानी जातीय अस्मिताएं जो हैं, जो प्राचीन समय से उसके एक अनकॉन्शियस में बैठी हुई हैं, प्राथमिक अस्मिताएं हैं, उनको वो बहुत जोर से पकड़ लेता है। इसको मैनुअल कैसल्स ने इस तरीके से देखा है कि जो हमारा जो जीवन है उसके जो आर्थिक और सामाजिक जो दायरे हैं वो आदमी के व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और ऐसे में उसके लिए जरूरी होता है कि जीवन में अर्थ पाने के लिए जो है वो अपने ये जो ये पुरानी पहचाने हैं और जो परिवार या इस तरीके की भी पहचाने हैं, धर्म की पहचान है, उनको जोर से पकड़ लेता है। तो इससे होता ये है कि वो उस क्राइसिस से तो निकल जाता है, लेकिन उस आइडेंटिटी क्राइसिस को कोप करने में वो क्या है कि वो पुनरुत्थानवाद या जिसको कहना चाहिए मूल तत्ववाद या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, एग्रेसिव रिलीजियस नेशनलिज्म, इन सब विचारधाराओं के चंगुल में फंस जाता है, और वो एक ऐसा दलदल है कि जिससे कि वो फिर निजात नहीं पा सकता जब तक उसकी ये समझ जो है बनी रहती है कि हमारी कोई पुरानी जैसे कि शाश्वत पहचान है और कहीं संस्कृत का जो गौरवशाली अतीत है। तो इस तरीके की बातें जो हैं उसको समस्या देती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है जो प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि ये जो राष्ट्रीयता और क्या था दूसरा आपका, राष्ट्रीयता और आइडेंटिटी राष्ट्रीयता के साथ कैसे जुड़ती, हाँ तो ये कॉलोनियलिज्म से भी जुड़ता है। कॉलोनियलिज्म ने एक तरीके का चैलेंज प्रस्तुत किया था, और जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल बर्बर हैं, जंगली हैं, और हम आपको सिविलाइज करने आए हैं। तो ऐसे में जो रिएक्शन हुआ वो अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास को फिर से पाने के लिए सारे जो ये नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें हमने अपनी संस्कृति के जो पुराने संस्कृति थी उसको फिर से इवेल्युएट किया, फिर से उसको सामने लाए और एक सांस्कृतिक अस्मिता की एक पहचान बनाने की कोशिश की। तो ये सांस्कृतिक अस्मिता बनाने की जो कोशिश थी वो जब हम लिबरेट हो गए तो ये हमारे नेशनल स्ट्रगल का हिस्सा था। तो हमारे नेशनलिज्म का क्या स्वरूप हो उसकी जो अंडर करेंट है सांस्कृतिक वो इससे बनती है। तो ये दोनों तरीके के दो 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 बड़े कारक हैं जो कि हमारी इस समय की जो नेशनलिटी के आइडेंटिटी है उसको निर्माण करते हैं। धनंजय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल रखना चाहूंगा। एक तो मेरे मन में आलोक जी बात यह है कि अगर हम अपने देश में कुछ समूहों को मिसाल के तौर पर आदिवासियों को देखें तो वहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन यानी पुनर्वितरण और मान्यता
दोनों का मसला एक साथ गुथा हुआ सामने आता है, यानी कि और उसमें फिर संसद के द्वारा भी उसको मान्यता दी गई है कानूनों के माध्यम से, संविधान ने भी इसे स्वीकार किया है कि अगर एक आदिवासी है जब वो ये कहता है कि जंगल के संसाधनों पर मेरा हक है, तो वो एक तरीके से उन संसाधनों पर अपना हक तो जता रहा है, लेकिन वो अपनी आदिवासी के रूप में पहचान को भी अभिव्यक्त कर रहा है कि ये यहाँ पर रहने के पेड़, यहाँ के पत्थर, ये मेरे देवता हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ और इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कि ये एक स्थिति है जो हमारे भारतीय संदर्भ में पाई जाती है, कुछ समूहों में तो अवश्य ही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये जो प्रति एक संतुलन बनाने की बात है जो आप कह रहे हैं रिकॉग्निशन में और रिडिस्ट्रीब्यूशन में, तो अगर वो संतुलन बनाना, क्या कई बार संतुलन बनाने की कोशिश एक तरीके के यथास्थितिवाद को बढ़ावा दे सकती है? और अगर ऐसी स्थिति है तो हमें किसको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, आपके लिहाज से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हमेशा संतुलन बनाना, कई बार हम ये स्थिति लग सकती है कि जो चीजें चल रही है वैसे ही ठीक है, ऐसा भी हो सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये खाली आदिवासी संदर्भ में ही नहीं है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्निशन का इम्पिरिकली ये आपस में गुथे हुए होते हैं, और इनको हम थ्योरेटिकली समझने के लिए सेपरेट करके देखते हैं, और इसीलिए ये हमारे सामने बराबर दिक्कत आती है। क्योंकि अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन से मान लीजिए कोई दलित एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसको वो रिकॉग्निशन उसका दूसरा समाज नहीं देता। एक हमने देखा है कि जिस तरीके से एक दलित अफसर से मिलते समय तो उच्च जाति का व्यक्ति जो है बड़ा सबमिसिव होता है, लेकिन वो उसके कैबिन से बाहर आते ही उसको जो है गाली देता है। तो ये इस तरीके से जो गुथा हुआ मामला है, इसका हल जो है वो इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है, उसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इसके पीछे छिपा हुआ है वो मॉडर्निटी का है, कि हम आदिवासियों को अगर उनके यहाँ संतुलन है, और जैसा कि बहुत लोग मानते हैं कि प्रकृति के साथ उनका जो संबंध है और उनकी जो जीवन शैली है वो बड़ी संतुलित है, लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठेगा कि क्या हम उनको उसी जीवन शैली में जीने के लिए मुक्त रखें, दखलंदाजी न करें, या फिर आधुनिकता का दखल वहाँ होगा। तो ये आदिवासियों का प्रश्न जो है वो मैं समझता हूँ कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप मॉडर्निटी को किस निगाह से देखते हैं। धनंजय, आप एक सवाल करें, लेकिन मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, फिर आप एक अपनी तरफ से अंतिम प्रश्न कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो मॉडर्निटी है, क्या उसने भी रिकॉग्निशन को मिस रिकॉग्निशन के रूप में प्रस्तुत किया है? जो समुदाय पहले थे, जिस रूप में खुद को देखते थे, उनको बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, और बार बार यह दलील दी जाती है कि इसीलिए अब हमें एक ऐसे दौर में जाना है जहां हमें दिमागी औपनिवेशीकरण से भी निकलना है, आधुनिकता को भी पूरी तरीके से छोड़ देना है। तो आप इस तरह के तर्कों को कैसे देखते हैं, क्या आधुनिकता को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए? इसमें मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, मैं मॉडर्निटी के पक्ष में हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मॉडर्निटी की बहुत सारी जो उपलब्धियाँ हैं और जो उसका केंद्रीय तत्व है वो वैज्ञानिक रेशनैलिटी है, प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल है, उसके जो मूल्य हैं वो समानता, बंधुता और लिबर्टी है, और ये सारे के सारे मनुष्य को प्री मॉडर्निटी या फ्यूडल समय से बाहर खींच के लाते हैं और उसके सामने एक ह्यूमन इमेंसिपेशन का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए मैं और ये भी जानता हूँ कि पीछे नहीं जाया जा सकता और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉडर्निटी की अपनी डार्कर साइड है और उस डार्कर साइड को हमको एड्रेस करना चाहिए। और उसके लिए जो ये बातें आजकल हो रही हैं वी उपनिवेशीकरण की, तो उस पर मेरा सीधा सीधा तर्क ये है कि एक तो वी उपनिवेशीकरण का एक जो कंटेक्स्ट था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय वो अब उतना नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, यह हमको कहीं ना कहीं री को ये पास्ट का, अपने पास्ट का उपनिवेशीकरण की तरफ भी ले जा सकता है, और जो बराबर हो रहा है। जब हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने लगते हैं तो हम एक तरीके से पश्चिम की अगर नकल न करें तो क्या हम अपने अतीत के गुलाम होना चाहेंगे? क्या हमारा अतीत सारा का सारा जो है स्वीकार योग्य है? और जो अभी बात आई रिकॉग्निशन की और जाति व्यवस्था की आई, तो जाति व्यवस्था मॉडर्निटी की देन नहीं है, उसने
क्लासिफाई किया होगा, आइडेंटिटी को स्पष्ट किया होगा, लेकिन जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है। तो ये हमारे मतलब कहना चाहिए प्री मॉडर्निटी की देन है, और इससे निकलने के लिए हमको मॉडर्निटी का सहारा चाहिए। तो मॉडर्निटी की जो देन है, वो सारी जो उपलब्धियां हैं, उसको खारिज करके हम प्री मॉडर्निटी की बात करें, ये मेरे हिसाब से गलत है। नरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपकी तरफ से है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और कई बार कई बहसों में हम एक मॉडर्निटी के खिलाफ एक चालाकी भरा मेथोडोलॉजी देखते हैं, और वो मेथोडोलॉजी जो है वो कार्टेशियन ड्यूलिज्म पे ही रुक जाता है, जहाँ पे माइंड इम्पॉर्टेंट हो गया है, बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये आधार हो जाता है मॉडर्निटी को खारिज करने का। लेकिन मॉडर्निटी के एक और स्कूल है जहाँ पे हम देखते हैं कि रीज़न रियलिटी से मिलकर मिला जुला है, और रीज़न और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब भी खारिज किया जाता है मॉडर्निटी को, तो वहाँ पे यह कह दिया जाता है कि रीज़न जो है बॉडी से मिला नहीं है, रीज़न विदाउट इमोशन है, रीज़न विदाउट मटेरियलिज्म है, और उस आधार पे वैकल्पिक ज्ञान के स्रोतों की तलाश की जाती है, जो कहाँ पे रुकेगी इसका प्रश्न हम लोग किसी और एपिसोड में बात कर सकते हैं। मेरा जो अंतिम प्रश्न है, यह बुक अंत में करीब करीब अंत में ट्रांसकल्चरलिज्म की बात करती है, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है ट्रांसकल्चरलिज्म, जिसको हम लोग पार संस्कृतिवाद भी बोल सकते हैं। बट पार संस्कृतिवाद में दो चीजें जो मुझे आपसे समझना है और हमें समझना है कि इसमें इसेंशियलिज्म वाला बात कहाँ पे रह जाएगा, जो कल्चर का इसेंशियलिज्म है, और जो ग्लोबलाइजेशन है वो संस्कृति को लेके बहुत सहज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जहाँ बात आती है, वहाँ पे आप अगर हम दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देख लें तो मसला बहुत आगे बढ़ गया है। तो कहाँ तक संभावना देखते हैं कि ट्रांसकल्चरलिज्म जस्टिस का एक मॉडल होगा, जहाँ पे रिकॉग्निशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? ये एक बहुत ही जटिल सवाल आपने पूछा है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा प्रपोजल है, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम हल है। मैंने इसको जो एकीकरण, एसिमिलेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इंटरकल्चरलिज्म के कमियों को बताते हुए इस्टेब्लिश किया है। ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो समस्या है वो रिकग्निशन की ज़्यादा है, उसको हल करने की कोशिश ज़्यादा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात उतनी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस समय का दौर है, इसमें जो कल्चरल आइडेंटिटी का एसेंशियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो संस्कृति की हमारी समझ है वो बहुत ही भ्रमपूर्ण हो गई है, वो हमारे यहाँ भी और सभी दुनिया में हो गई है। ये मानना कि संस्कृति जो है वो कहीं पुराने अतीत में किसी मणि के समान किसी बक्से में बंद है, उसको जाके सिर्फ खोज लेना है, तो ये जो डिस्कवरी व्यू ऑफ कल्चर है, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ ट्रांसकल्चरलिज्म में खारिज हो जाती है। और ये मान के हम चलते हैं कि हर संस्कृति में जो है वो हमेशा से इतिहास में पहले धीमे धीमे और आज अब तेजी से जो है वो दूसरी संस्कृतियों से अंतःक्रिया है, उनसे लेन देन है, और इसीलिए हर संस्कृति में एक फॉरेन तत्व है। और जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, तब बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि संस्कृत कोई भी असेंशियल चीज नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल एंटिटी है, वो बनती रहती है, बदलती रहती है, और उसमें हमें हमेशा रीजन का, तर्क का, रेशनलिटी का हस्तक्षेप भी जरूरी होता है, जो ये बताए कि हमको क्या रखना है और क्या छोड़ देना चाहिए। और जब इस दृष्टि से हम देखते हैं तो ट्रांसकल्चरलिज्म एक अकेला हमको स्ट्रेटजी नजर आई, जिसमें संस्कृत कल्चर के बारे में यही दृष्टिकोण है कि संस्कृत कल्चर में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉरेननेस को स्वीकार करते हैं। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे अंदर हमारी संस्कृत में बहुत से फॉरेन तत्व हैं और बाहर भी लोगों के बीच में जिनके रहने वो भी फॉरेन है, तो फिर हमारी एक दूसरे से कहना चाहिए कि टकराव की बात कम हो जाती है, एक उनके साथ अंतःक्रिया करने की बात ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम भी वही हैं वो भी वही हैं। ये फर्क है कि दोनों का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, तो उससे ये समझना कि हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी ये भी गलत है, हमारी कोई यूनिवर्सल फ्लैट पहचान हो जाएगी ये भी गलत है। ट्रांसकल्चरलिज्म में इस बात का महत्व है कि हमारे कुछ
इसको एक वेव की तरह समझिए, जैसे कि एक स्वेटर में एक डिजाइन होती है, तो उसके कुछ धागे जो हैं वो हमारे परंपरागत संस्कृत के हो सकते हैं और कुछ धागे हम बाहर दूसरी संस्कृतियों से लेकर बनाते हैं, और फिर जो हम एक स्वरूप संस्कृत का बनता है वो हमारा अपना होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की नकल होगा। जैसे इसको उदाहरण के तरह ले सकते हैं, अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति जानता है कि अब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौर में, वो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन अगर एक चीनी व्यक्ति है और एक भारतीय व्यक्ति है तो दोनों की संस्कृतियों में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि चीनी का अपना बैकग्राउंड है, भारतीय का अपना बैकग्राउंड है, तो उसके जो पुराने संस्कृत के जो तत्व हैं वो कुछ उसके साथ होंगे, कुछ वो छोड़ चुका होगा। इसी तरीके से सारी दुनिया में संस्कृतियों में डाइवर्सिटी बनी रहेगी, लेकिन ये डाइवर्सिटी का तरीका जो है ये इस तरीके की वाटर टाइट कंपार्टमेंट, जिसमें एक दूसरे से बिल्कुल कहना चाहिए कि अलगाव की बात होती है, जिसके लेके स्टेट जी मल्टीकल्चरलिज्म की बनाई गई, वो मेरे हिसाब से गलत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रपोजल है, क्योंकि ये ही यथार्थ है जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ भी जैसे कि सोशलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। क्वालिफाइड है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं, अभी कल ही मैं सुन रहा था कि बातें करने लगते हैं कि हमारा जो नया साल है हमारा नहीं, लेकिन वही बच्चा जब जो है कहता है कि हमको आप अनन्नास का रस पीजिए, दूसरा कहता है नहीं इसको आप जो है पाइनएप्पल बोलिए। तो जो हमारा अपना जीवन शैली है वो पूरी तरीके से इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड हो गई, अब हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जो यथार्थ है, तो कल्चर का कंसेप्ट जो है वो ऑपरेटिव भी है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि कल्चर ऐसा है कि उसमें इंटरमिक्सिंग होती है, तब आप जो है उसके खिलाफ नहीं खड़े होते, तब आप उसको बढ़ावा देते हैं। और फिर आपको वो विवेक पैदा करना होगा कि क्या रखने वाला है, क्या छोड़ने वाला है, क्या लेने वाला क्या नहीं। तो हमारी समस्या ये होनी चाहिए, हमारी समस्या ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा महान गौरवशाली संस्कृति उसकी रक्षा करनी है, जो कि सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, वैचारिक कंस्ट्रक्ट है, वो असलियत नहीं है। तो मैं उसी को क्वेश्चन करने के लिए और एक अल्टरनेटिव व्यू ऑफ कल्चर को प्रचारकों को लाने के लिए, और फिर उसके आधार पर कैसे हम जीने की एक शैली बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम ट्रांसकल्चरलिज्म पर रुकें, लेकिन कॉस्मोपॉलिटिज्म से ट्रांसकल्चरलिज्म भिन्न है, और मैंने इसीलिए इसमें इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि मेरी समझ वहाँ तक जाके रुक गई है। अब अगर कोई विचार करने वाले उससे आगे की बात सोचते हैं तो स्वागत है, लेकिन लोगों को इस विषय पर सोचना चाहिए, इस विषय पर प्रश्न उठाने चाहिए। और जिस दौर में हम इससे आकर इसमें कि एक बड़ा दोहरापन आ गया है कि हम मॉडर्निटी के सारे फायदे उठाने चाहते हैं और साथ ही साथ हम एसेंशलाइज्ड कल्चर की भी बात करते हैं। क्या ये संभव है? क्या वैज्ञानिक रेशनलिटी के साथ, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल के साथ ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? हाँ, तो ये मूल प्रश्न है जिसका सर ये इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि मॉडर्नाइजेशन हम ले लिए हैं, शायद मॉडर्निटी नहीं ले पाए हैं, और उसमें कल्चरल एसेंशलाइजेशन को भी मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ दिए हैं। आप किसी भी फिलोसोफर को उसके पॉलिटिकल फिलोसफी के थ्रू समझना और भी बड़ा अच्छा लगता है, और इसके लिए हम आलोक जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इसको दिया। मैं कमल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी अंतिम टिप्पणी दें। ये काफ़ी अच्छी चर्चा रही, और मुझे लगता है कि आम दर्शक भी जो दर्शन के विद्यार्थी नहीं है, राजनीति सिद्धांत के विद्यार्थी नहीं है, उन्हें भी इन सब बातों को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी कि हम कैसे संस्कृति की या फिर जिसे हम पहचान कहते हैं उसे या पुनर्वितरण की जो अवधारणा है उन्हें कैसे समझें। आप इस चर्चा को एक शुरुआत भी मान सकते हैं और आगे जाकर आप अन्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं अगर एक आम भागीदार के रूप में कहूँ जो इस बातचीत में शामिल हुआ, तो उसके लिए ये बात बहुत ही रोचक रही कि किस तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को आलोक टंडन जी ने एक तरीके से प्रश्नांकित किया, और उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने ट्रांसकल्चरलिज्म की बात की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। आलोक जी हमसे काफी दूर से जुड़े हुए हैं, हल्द्वानी से, और इसके लिए हम इनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। हम अगले अंक में मिलेंगे गुप्तगु कार्यक्रम में, और एक अन्य पुस्तक के साथ और एक अन्य लेखक के साथ हम
आपसे उस पुस्तक के बारे में, उन लेखक से बातचीत प्रस्तुत करेंगे। आलोक जी, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय और मैं आपके आभारी हूँ जी। आप धन्यवाद। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हल्द्वानी नहीं, मैं हरदोई से जुड़ा हूँ, और साथ में ये भी है कि इसको एक और उद्देश्य है मेरा कि अक्सर हमारे यहाँ फिलॉसफी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सोशल फिलॉसफी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो हमारे कंक्रीट दिन जो जीवन है उसकी जो समस्याएं हैं वो सदियों से पिछड़ी पड़ी रहती हैं, और हम मुक्ति और मोक्ष और कैवल्य और निर्वाण की ही बातें करते रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक, एक उसमें फिलॉसफी के भी जो समझ है उसमें भी मैं एक दखल करता हूँ। सब जगह ये कहता हूँ कि आपको अपने जीवन के अर्थ भी खोजने के लिए क्या करना है, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी एक महत्वपूर्ण विधा है, और इसमें मुझे फिलॉसफी का ये रोल लगता है कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में जो यथास्थित है उसकी चर्चा होती है, आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थोड़ी नॉर्मेटिव होती है। तो ये नॉर्मेटिविटी जो है वो फिलॉसफी का अपना एक पुराना क्षेत्र रहा है, और मैं समझता हूँ कि फिलॉसफर्स को भी जो है इस तरीके से इन समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, और इससे हम जो है अपने पाठकों से, अपने आम जन से, अपने समुदाय से, और ख़ास तौर से जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसमें उसकी समझ और उसमें एक हस्तक्षेप के लिए एक वैचारिक दृष्टि पैदा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने पुस्तक लिखी है। आज आपने उस पर चर्चा की, और एक गहरी चर्चा की, क्योंकि कई लोगों ने चर्चा की लेकिन ऐसे गहरे सवाल नहीं किए मुझसे, और मैं इससे बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ कि अगर मैं कभी कोई दूसरा संस्करण बनेगा आएगा तो मैं इन तमाम प्रश्नों को फिर से लेना चाहूँगा और उनके ऊपर भी चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोग। धन्यवाद। नमस्कार।